डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सोशो फॉर लर्नर्स। हम यू जी सी नेट एन टी ए के सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा। मार्क्स की जो बेसिक थ्योरीज हैं, जैसे कि उनका समाजवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बताया है। इस लेक्चर को भी आप पूरा देखें। यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नया सिलेबस है उसमें दो नए थिंकर्स के नाम जोड़े गए हैं कार्ल मार्क्स के साथ ही, जैसे कि सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर। तो इन थिंकर्स के बारे में अभी तक ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, इनकी ज़्यादा बुक्स हमें अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जो इनकी बुक्स हैं वो रिसेंट की लिखी हुई बुक्स हैं कुछ अभी की, और उन बुक्स से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो अभी हमें मालूम नहीं है। पिछली बार में क्वेश्चन भी शायद ही पूछा गया इस टॉपिक से, लेकिन आने वाले एक दो जो भी एग्जाम होंगे, उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन अब बहुत जल्दी पूछा जाएगा। तो ये इनसे मार्क्स से पूर्व के समाजवादी, ये पूर्व के समाजवादी से सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। देखिए, पूर्व से मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों का मतलब ये है कि जब जिस समय मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी उस वक्त ये लोग थे, ठीक है। इनकी थ्योरीज उसी बीच में या उससे पहले चल रही थी, बस फर्क इतना है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी ज़्यादा ही फेमस हो गई, क्योंकि जो वो था उन्होंने बताया ना इससे पहले, ये ऐतिहासिक भौतिकतावाद यानी कि साक्ष्यों के आधार पर दिया। जो ये लोग सब थे, इन्होंने एक तरीके से एक कल्पनामूली समाज की स्थापना करी। इनके जो तथ्य थे वो किताबों के आधार पर थे, और कोई इस तरीके की रिसर्च नहीं थी जो फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सके पूरी तरह से। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहले कभी सिलेबस में इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बट इस नए सिलेबस में इन दो तीन थिंकर्स के नाम जोड़ दिए गए हैं, साथ साथ अलग से नाम लिखे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इनकी बेसिक मोइन इंपॉर्टेंट है इन थिंकर से जुड़ा हुआ, उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में, आप उसको बेसिक याद रखें अपने दिमाग में। बाकी आपको जहाँ से भी इनका मटेरियल मिलता है, क्योंकि इनके ऊपर पूरी की पूरी थीसिस लिखी गई होंगी, पूरी की पूरी बुक्स हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं लिखा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनके नाम लिखे हैं। तो इनकी जो एक बेसिक थ्योरीज हैं उनको हम देख लेते हैं, जो कि मार्क्स से रिलेटेड है, जैसे इन्होंने समाज के बारे में क्या कहा या पूंजीवाद के बारे में क्या कहा। सो लेट्स स्टार्ट। कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजशास्त्री थे उन्हें कल्पनामूलक समाजशास्त्री कहा जाता है, जैसा आपको बताया। कल्पनामूलक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरीज थी वो किसी साक्ष्यों के आधार पर नहीं थी, केवल कल्पनामूलक। इन्होंने ये बोला कि भाई पूंजीवाद से पहले ऐसा हो सकता है, ऐसा रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। जैसे मार्क्स ने सिद्धांत दे दिया, उसने बताया पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास युग आया, फिर पूंजीवाद युग आया, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था रही होगी, बट साक्ष्य नहीं दिए। इन्होंने बोला कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो कल्पनामूलक था, इसीलिए इन्हें कल्पनामूलक समाजवादी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेंट साइमन के बारे में। सेंट साइमन ने अपने विचारों में एक अलग तरीके से समाजवाद की व्यवस्था के बारे में बताया, और उन्होंने सिद्धांत रखा कि हिंसात्मक संघर्ष नहीं था। इन्होंने जो सिद्धांत रखा, इन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो हिंसा की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि मार्क्स क्या कहता है, दो वर्गों में संघर्ष के बारे में बात करता है। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने उद्योगपति वर्ग और अधिकारी वर्ग, और इसमें परिवर्तन को जो आधार होगा वह राजनीतिक परिवर्तन होगा। आपको ये याद रखना है, सेंट साइमन ने बोला कि जो परिवर्तन होगा वो किनके बीच में होगा, उद्योगपति यानी कि कैपिटलिस्ट और अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेसी। इसने कहा कि इनमें परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन का आधार होगा वो राजनीतिक परिवर्तन होगा एक तरीके से। और इसका ये मानना था कि व्यवस्था में जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज नहीं होगा तो समाज में या व्यवस्था में परिवर्तन लाना मुश्किल है। सेंट साइमन के अनुसार जो मध्यम वर्ग, वैज्ञानिक व सर्वहारा वर्ग होगा, वह अपना योगदान सभी उत्पाद की गतिविधियों में देगा और औद्योगिक प्रणाली के बारे में लाभ प्राप्त के से बराबर लाभ प्राप्त करेगा। सेकेंड चीज़ इन्होंने क्या बोली कि जो मार्क्स से हम कंपेयर करें तो मार्क्स ने क्या कहा था कि जो मार्क्स ने पहली बात तो मध्यम वर्ग की बात करी नहीं है, ठीक है, इन्होंने मध्यम वर्ग की बात करी है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाए। सेकेंड ये है कि जो मध्यम सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग के बारे में ये कहते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है, जिसके बारे में मार्क्स ने ये कहा कि वो क्रांति करेगा और समाज में योगदान तो दे रहा है पर अलगाव की स्थिति में, परेशान होकर मजबूरी है उसकी, सेंट साइमन ऐसा नहीं बोलते हैं। ये कहते हैं ऐसा नहीं है, जो मध्य वर्ग होगा और सर्वहारा वर्ग होगा वो अपना योगदान उत्पादन की गतिविधियों में देगा, औद्योगिक प्रणालियों में भी देगा, और उसको बराबर लाभ प्राप्त होगा, यानी कि वो ऐसी स्थिति में आई नहीं रहेगी, वो अलगाव की स्थिति प्राप्त करे, ठीक है। सेंट साइमन के अनुसार इंजीनियर, साहूकार या जो भी व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य करेगा तथा अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर मजदूर वर्ग होगा, बुद्धिमत्ता के बल पर कार्य करेगा वो मजदूर वर्ग या कामगार वर्ग होगा, उसके साथ एक सीमांत स्थायित्व कर लेगा। उन्होंने ये कहा कि जो कुशल वर्ग होगा, बुद्धिमत्ता के बल पर काम करेगा, वो क्या करेगा, जो मजदूर वर्ग होगा उनके साथ में क्या करेगा, एक सामंजस्य स्थापित कर लेगा बुद्धिमत्ता के बल पर, ठीक है, उनके साथ एक मैत्री की स्थिति उत्पन्न कर लेगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कहने का ये है कि
मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया उसने ये बोला था कि जो कैपिटलिस्ट होगा उसके साथ में कोई सामंजस्य नहीं है, क्रांति ही कारण है, लड़ेगा, ठीक है, मजदूर जो है वो लड़ेगा। पर वो यहां क्या कहता है कि जो मजदूर वर्ग होगा और कामगार वर्ग होगा, क्लियर कर देते हैं इसे, ये देखिए, जो मजदूर वर्ग होगा और जो कामगार वर्ग होगा, कामगार वर्ग होगा, वो कहता है ये सामंजस्य स्थापित कर लेगा किसके साथ में, जो कुशल वर्कर होंगे, यानी कि इंजीनियर, साहूकार या जो भी व्यक्ति कुशल वर्ग होंगे, ठीक है, जो लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि भाई जो ऊपर एक कोई ना कोई सिस्टम में होगा वही तो इनसे काम करवा रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि जब मान लीजिए जो उनका उद्योगपति जिनके ऊपर इसने बात करी, यहाँ पर उद्योगपति अधिकारी वर्ग ये यहाँ होंगे, इनके नीचे कामगार वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा, और नीचे क्या होंगे, मजदूर वर्ग। तो वो कहता है कि इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वो कहता है ये सामंजस्य बिठा लेंगे, मैत्री का संबंध रखेंगे, कौन, ये जो साहूकार होंगे, इंजीनियर होंगे, ये इनके साथ में एक ऐसा संबंध स्थापित रखेंगे तो वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, एक सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। और क्रांतिकारी नेता, और ये क्या बन जाएंगे, क्रांतिकारी नेता, यहाँ क्रांति से मतलब लड़ने से नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एक नेता की फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि उनका भला करने वाले, जिसकी वजह से वर्ग संघर्ष की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि सेंट साइमन सामंतवाद के समर्थक थे किंतु पूंजीवाद के नहीं, ठीक है, इन्होंने पूंजीवाद को महत्व नहीं दिया, इन्होंने सामंतवाद को महत्व दिया। सामंतवाद क्या था, सामंतवाद का मतलब ये था कि जैसे कि फ्यूडल सिस्टम आपको बताया कि जो मार्क्स ने जिस सामंतवाद की बात करी है वो क्या था, संघर्ष पर आधारित था और शोषण पर आधारित था, ठीक है, जो सेंट साइमन का सामंतवाद है वो संघर्ष पर और शोषण पर आधारित नहीं है, ठीक है। अब इसको एक सिंपल से डायग्राम के फॉर्म में समझिए, सेंट साइमन ने बताया ये उद्योगपति वर्ग है, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं उद्योगपति वर्ग, ठीक है, उसके नीचे उसने बताया कि एक दूसरा वर्ग बना हुआ है, ठीक है, जिसको उसने क्या बताया, इंजीनियर साहूकार हो गए या मध्यम वर्ग और वैज्ञानिक हो गए, सर्वहारा वर्ग हो गए, ठीक है, ये सब कहाँ गए, यहाँ पर इसमें आ गए, सर्वहारा वर्ग हो गया या इंजीनियर साहूकार जो हो गए, ठीक है, इसको इस तरीके समझ लीजिए, जो इंजीनियर हो गए, साहूकार, कुशल वर्कर, सभी समझ लीजिए, कोई भी कुशल वर्कर जो काम करवाता है, ठीक है। इसके नीचे उसने कहा कि एक मजदूर वर्ग भी है, ठीक है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है उसने बोला कि ये मजदूर वर्ग लड़ नहीं रहा है इनसे, ना इनसे लड़ने जा रहा है, ठीक है, काम तो ये भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि ये जो कुशल वर्ग है, इंजीनियर वर्ग है, इसको भी आवश्यकता है काम की, तो इसने आवश्यकता के लिए क्या करा, एक नेता के टाइप में बन गया है, ठीक है, जो इनको लीड कर रहा है और इनके साथ में एक मैत्री संबंध स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं इसको आप आज की व्यवस्था से जोड़ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए मारुति उद्योग, मानेसर में, गुड़गांव में हम सभी ने सुना होगा मारुति उद्योग है, जहां आग भी लगी थी कुछ समय पहले, बहुत न्यूज में था। मान लीजिए वो मारुति उद्योग है, ये उद्योगपति हैं, ठीक है, मारुति जिनका है वो मालिक हैं इसके, यहाँ इनकी इंडस्ट्री है, यहाँ पर कौन काम कर रहे हैं, ज्यादातर कुशल इंजीनियर काम कर रहे हैं, ज्यादातर वही लोग हैं जो सब संभाल रहे हैं, मालिक तो हमेशा नहीं रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज इनके पास में। जो तीसरे वर्कर है वो कौन है, मजदूर वर्ग है, ठीक है, जो अनस्किल्ड लेबर है, यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करी है सेंट साइमन ने, जो अनस्किल्ड लेबर है, जब अनस्किल्ड लेबर काम कर रही है तो इनके साथ में कुछ समस्या होंगी, जैसे मार्क्स ने बोला कि ये लड़ेंगे अब इनसे क्योंकि अपने अधिकारों की मांग करेंगे, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, लेकिन सेंट साइमन ये कहता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। वो ये कहता है कि जो कुशल नेतृत्व है, कुशल वर्ग है, इंजीनियर वाले टाइप के जो लोग हैं, ये क्या करेंगे, इनके साथ एक दोस्ती कर लेंगे, एक मैत्री संबंध स्थापित कर लेंगे, और उस संबंध में क्या होगा, ये एक नेता की तरह बन जाएंगे, ये बोलेगा भाई देखो मैं नेता हूँ, मैं तुम्हें अच्छा बोनस दिलवा दूंगा, ओवर टाइम करोगे तो तुम्हें कुछ पैसे भी दिलवा दूंगा, किसी किसी के रहने की व्यवस्था भी करवा दूंगा, ठीक है, किसी को अगर घर जाना है, छुट्टी जाना है तो हम वो भी करा देंगे, मतलब कि एक सामंजस्य स्थापित कर लिया और बोला कि हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो क्या हो गया, वो एक लीडर के रूप में आ गया उनका, सुना होगा ना हर जगह पर क्या होता है, एक लीडर होता है जितनी भी ये फॉर्म्स वगैरह होती हैं, तो ये सब क्या करेंगे, इसका समर्थन करेंगे। अब क्या ऐसे में संघर्ष हो सकता है, नहीं होगा, जैसे ही संघर्ष यहाँ शुरुआत होगी ये नेता को पता चल जाएगा, वो उनकी मांगों को पूरा कर लेगा, जैसे कि वर्तमान में होता है। तो सेंट साइमन ने यही बात कहना चाहिए, मार्क्स के विपरीत थी इनकी सोच, इन्होंने बस सामंतवाद का समर्थन माना जाता है कि सामंतवाद जो था एक तरीके से फ्यूडलिस्ट सिस्टम जो था उसका समर्थन क्या है, और पूंजीवाद को इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। कैपिटलिज्म, ये जो एग्जांपल है कैपिटलिज्म के हैं, फ्यूडलिज्म बेसिकली आपको मालूम होगा क्या था, जहां पर एक कृषक होगा, एक आपका मालिक होगा जो खेती वेती करवा रहा है, फ्यूडलिस्ट, और उनसे पैसे ले रहा है, लगान ले रहा है, क्योंकि जिस समय में इन्होंने रिसर्च करी है, जिस समय में इन्होंने ये थ्योरी दी उस समय फ्यूडलिज्म ही था, ये भी याद रखिए, ठीक है, हम जब उसको आगे जोड़कर देखते हैं चीज़ों से तो वो फिर आधुनिक समाज पर लागू हो सकता है।
सेंट सामिन के बारे में आपको इतना ही जानना है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि ये सामंतवाद के समर्थक थे या नहीं थे, पूंजीवाद के थे। मार्क्स से जोड़ के थ्योरी पूछी जा सकती है कि दो वर्गों के बारे में बात करिए, मार्क्स संघर्ष बोलता है और ये सेंट साइमन क्या बोलते हैं। आपको याद रखना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुशल नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के बारे में बात ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्रांति के समर्थक नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं चार्ल्स फोरियर को। चार्ल्स फोरियर जो थे ये भी एक मार्क्स से पहले के ही एक विचारक थे। इन्होंने जो अपनी व्यवस्था दी, इन्होंने भी इसमें कुछ मार्क्स से तो विपरीत है इनका भी, तो इनको भी एक साम्यवादी विचारक ही माना जाता है। ठीक है, यानी कि जहां समानता की स्थिति होगी सब बराबर होगा। उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन, और पुस्तक में उन्होंने मानव मुक्ति के लिए अपने विचार दिया। मानव मुक्ति के लिए क्यों बोला, मानव मुक्ति से इनका मतलब ये था कि जो जबरदस्ती लोग जैसे फैक्ट्रीज में या फिर फ्यूडल सिस्टम में कृषक थे जो मजदूर बन के काम कर रहे, तो उनको जो है मुक्ति के लिए, कि वो उनको मुक्ति मिले किस तरीके से वो कार्य कर सकें, केवल उसी के आधार पर इन्होंने बात करी है। फोरियर ने मनुष्य को छोटे छोटे समुदायों में संगठित रखने का प्रस्ताव रखा, और साथ ही साथ समुदाय के लोगों को निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार दिया। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आ गई, बिल्कुल मार्क्स निजी संपत्ति के विरोधी थे और जो चार्ल्स फोरियर है वो निजी संपत्ति के समर्थक थे। ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत संपत्ति आप रख सकते हो, और मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, छोटे छोटे समुदायों में संगठित होकर रहना चाहिए जिससे कि उनको क्या कंट्रोल करा जा सके। ठीक है, श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य विभाजन, ये कहते हैं जो कार्य विभाजन होगा। ठीक है, जैसे मार्क्स क्या कहता है कि जो कार्य विभाजन है वो कैसा होना चाहिए, साम्यवाद की स्थिति। याद रखिए मार्क्स के ये साम्यवाद से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मार्क्स क्या कहता है, आवश्यकता अनुसार वेतन, आवश्यकता अनुसार काम, जिसकी जितनी आवश्यकता है। अगर मुझे 10,000 रुपये चाहिए लेकिन मैं काम पूरे दिन एक मालिका करना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए। ठीक है, मार्क्स का साम्यवाद ये कहता है, लेकिन इनका जो साम्यवाद था क्या कहता है, उसी से समर्थक है, समर्थित है कहीं ना कहीं। इनका जो साम्यवाद था ये कहते हैं श्रम विभाजन किस अनुसार होगा, व्यक्ति के काम के अनुसार। यानी कि अगर मुझे गाड़ी चलाना पसंद है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति को गाड़ी की सफाई करना पसंद है तो गाड़ी की सफाई करेगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। इनका कहने का काम कुछ इस तरीके, जिसको जैसा काम पसंद है वो काम करेगा, और जो पैसा मिलेगा वो भी जरूरत के हिसाब से होगा। ठीक है, कि अपनी जरूरत पूरी कर सके व्यक्ति। अब ऐसा नहीं है कि जो गाड़ी चला रहा है तो उसको 50,000 मिलेगा और साफ करने वाले को कम मिलेगा, ना। वो कैसा है, पैसा तो बराबर दो लेकिन काम अपनी इच्छा अनुसार करो। ठीक है, और वो कहता है कि ऐसी व्यवस्था में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक संगठन है, वो कहता है जब साम्यवाद आ जाएगा तो हमें राजनीति की जरूरत ही नहीं होगी। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि एक राज्य होगा, राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, वो कहता है कि जो राज्य है हमें राज्य की जरूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे राज्य का। कहता है जब सबको साम्यवाद है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सबको अपनी इच्छा अनुसार काम मिला है, तो क्या राज्य की आवश्यकता है किसी को, नहीं है। पर अगर हम खुद से सोचें तो क्या पॉसिबल है बिना राज्य के हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। रीजन उसके पीछे क्या है, आपसी मतभेद और निजी संपत्ति का उद्भव। अगर आज सरकार ये बोल दे कि हम सरकार हटा रहे हैं, जिसका जैसा मन है, जिसको जितना चाहिए वो वैसा काम कर ले, तो क्या अराजकता की स्थिति नहीं हो जाएगी। मुझे कितने लोग ऐसे होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते लेकिन पैसा चाहते हैं, व्याभिचार बढ़ जाएगा समाज में। ठीक है, तो ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती। मार्क्स का भी सबसे बड़ा फेलियर यही है कि जो साम्यवाद है वो कभी नहीं आ सकता। इवन मार्क्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो उसकी थ्योरीज आई, जो बुक आई उसकी दास कैपिटल, उसमें भी उसने अंत में ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि साम्यवाद कहीं ना कहीं अस्तित्व में लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, व्यवस्था का स्वरूप, फोरियर ने क्या बताया कि इस प्रकार की व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक संगठन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा भी बताया कि राज्य की जरूरत ही नहीं है आपको। सारा समाज स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित होगा और कार्य करेगा। क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कि सभी लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और कोई व्यवस्था व्याभिचार नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहता है ऐसा होना चाहिए, सभी लोग अपनी योग्यता और इच्छा, अच्छा नहीं है, इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था में गरीब और अमीर, पूंजीपति व मजदूर का भेद नहीं रहेगा। अब वो कहता है कि गरीब अमीर कोई रहेगा ही नहीं, कैपिटलिज्म भी नहीं होगा। वो कहता है कि सभी लोग तो मिलजुल के रह रहे हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है फिर ऐसी व्यवस्था को बनाओ। तो इसीलिए ये जितने भी समाजवादी थे मार्क्स से पूर्व के, ये कहीं ना कहीं फेलियर माना जाता है इन लोगों का। इन्होंने जो व्यवस्था दी ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। मार्क्स ने बहुत बड़ी व्यवस्था दी और अंत में साम्यवाद को एक छोटा सा रोल दिया, रिजल्ट उसने एक तरीके से बता दिया साम्यवाद। इन्होंने इससे पहले की कोई बात नहीं करी, मार्क्स यहाँ जीत जाता है। बाकी ये जितने जो तीन चार जो थिंकर्स हैं ये यहीं पर इनकी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि ये केवल कल्पनामूलक समाज की बात करते हैं, क्योंकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती ऐसी व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है चार्ल्स फोरियर से। मार्क्स के साथ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की मैक्सिमम जो
संभावना है वो ये है कि मार्क्स से जोड़ के पूछी जा सकती है, क्योंकि ये थिंकर जो है मार्क्स से ही जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं साम्यवाद से। आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कैसा था, और जो सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन का जो साम्यवाद था वो किस तरीके का था। फोरियर के अनुसार मानना है आपको राज्य की व्यवस्था कैसी होगी, क्योंकि इन्होंने सब चीज़ों को नकार दिया। इन्होंने कहा राज्य भी नहीं चाहिए, स्वाभाविक प्रेरणा से काम करेंगे, अपनी इच्छा से काम करेंगे, गरीब अमीर नहीं रहेगा। मार्क्स इसके विपरीत क्या कहता है साम्यवाद में, मार्क्स भी सेम यही कहता है राज्य की आवश्यकता नहीं होगी हमें, ठीक है अपनी इच्छा अनुसार काम करेंगे हम, सिंपल। काफ़ी हद तक इसका जो ये स्वरूप है ये मार्क्स से सिमिलर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं रॉबर्ट ओवेन के बारे में। रॉबर्ट ओवेन भी मार्क्स से पूर्व के ही समाजवादी माना जाता है इन्हें। इनके अनुसार मजदूर वर्ग को अच्छी सुविधाएं देकर भी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की जा सकती है, जो कि संघर्ष की स्थिति को जनक नहीं देगा, ठीक है जन्म नहीं देगा। इन्होंने ये कहा, मार्क्स ने क्या कहा था कि संघर्ष की स्थिति होगी, क्योंकि उसका शोषण हो रहा है, पूंजीपति शोषण कर रहा है, तो मजदूर क्या करेगा, विरोध करेगा और संघर्ष उत्पन्न करेगा। लेकिन रॉबर्ट ओवेन की थ्योरी ये कहती है कि आपको जरूरत ही नहीं है ऐसा कुछ भी। ये कहते हैं कि एक तरीके से ये सहकारिता आंदोलनों के समर्थक भी थे, ठीक है समाजवादी टाइप के थे। इन्होंने ये बोला कि आपको, आप मजदूरों को उनकी इच्छा अनुसार काम दे दो, ठीक है जैसे कि अभी आपको मानेसर वाला एग्जांपल बताया फर्स्ट में, सेंट साइमन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप उनको सारी सुख सुविधाएं दे दोगे भाई, उनको आप अच्छा बोनस दोगे, छुट्टी दोगे, घर दोगे, अच्छे पैसे दोगे, कपड़े दोगे, तो क्या वो कभी विरोध करेंगे। वो कहता है आपकी संघर्ष की स्थिति आएगी नहीं और आपका काम चलता रहेगा। उनकी पुस्तक है अ न्यू एवेन्यू ऑफ सोसाइटी, इस पुस्तक में ओवन ने प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रणाली का पूर्णतः खंडन किया और बताने का प्रयास किया कि सहकारिता प्रणाली को अपनाते हुए लाभ पूंजीपति व मजदूर वर्ग में सामंजस्य बैठाया जा सकता है, जो कि दोनों के लिए लाभकारी होगा। अब ये भी बोलते हैं कि जो विरोध की स्थिति है उसे नहीं आना चाहिए। ये क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार यानी कॉम्पिटेटिव मार्केट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये उसका विरोध करते हैं। ये कहते हैं कॉम्पिटेटिव मार्केट, आप समझते हैं क्या है आज की डेट में, इस तरीके से समझिए। यानी कि मैंने लैपटॉप बनाने की कंपनी खोली डेल की और दूसरी एचपी की है, ठीक है सेम स्पेसिफिकेशन, सेम चीजें, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है। जो कस्टमर है वो कंफ्यूज है कि वो क्या खरीदे इनमें से, बेस्ट को चूज करेगा, उसको पैसे भी कम खर्च करने हैं, क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, पॉसिबल है, कुछ ना कुछ वो कॉम्प्रोमाइज करेगा कॉन्फ़िगरेशन में, वेट में, किसी ना किसी चीज़ में कमियां होंगी और वो एक चीज़ को चूज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव मार्केट। कि अब इन दो के अलावा और भी हैं ऐसे, तो लेनेवो भी है, ठीक है मान लीजिए कोई सैमसंग भी है, ठीक है और भी हैं चार पाँच कंपनीज हैं, तो ये क्या है, ये कॉम्पिटेटिव मार्केट है, इनका आपस में ही कॉम्पिटिशन है, जिस वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर तो कंफ्यूज हो ही रहा है बट इन्होंने एक व्यवस्था को क्या कर दिया है, चीज़ों के रेट बढ़ा रही हैं, डिमांड बढ़ा रही हैं चीज़ें। तो वो कहता है कि वो प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था रहना ही नहीं चाहिए, वो कहता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें, वो कहता है सहकारिता प्रणाली अपनाओ, ठीक है। अब सहकारिता प्रणाली क्या है भाई, सहकारिता प्रणाली का मतलब है, अमूल का नाम सुना है आप सभी ने, अमूल वर्ल्ड वाइड पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, गुजरात की ये संस्था है। ये क्या है, एक सहकारिता प्रणाली से जुड़ी हुई है, यानी कि लोगों ने बनाई हुई एक संस्था है, 150 लोगों ने एक संस्था बनाई थी जिसको उन्होंने नाम दिया अमूल, और इसको क्या है, राज्य से संरक्षण प्राप्त और सहायता प्राप्त है। तो ये किससे जुड़ी हुई हो गई, राज्य से और लोगों से, ठीक है एक संस्था टाइप की बन गई अमूल, एक संस्था है और ये लोगों से, जनता से और राज्य का, दोनों का हस्तक्षेप है। राज्य पूरी तरह से इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लोग इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने इसे क्या बोला, सहकारी प्रणाली है, यानी कि सरकार से जुड़ी हुई एक तरीके की प्रणाली है, ठीक है। आपने जो देखा होगा इनके दूध दही जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया बेचे जाते हैं, गवर्नमेंट को इनको कुछ परसेंट देना पड़ता है, क्यों, गवर्नमेंट इन्हें कुछ फैसिलिटीज दे रही है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, जगह हो गया, ठीक है। और एम्प्लॉयज कौन है इनके, संस्था से जुड़ी हुई है, तो गाँव के लोग हैं जिनसे ये दूध वगैरह लेते हैं, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, बट कुछ ऊपर से एम्प्लॉयज हैं जो इसको रेगुलेट भी कर रहे हैं और ये इनके साथ सामंजस्य बिठा रहे हैं। तो ये कहता है कि सहकारिता प्रणाली हमें अपनाते हुए पूंजीपति व मजदूर वर्ग में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। वो कहता है कोई भी व्यवस्था है उसे सहकारिता प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि जनता की और राज्य की, दोनों का हस्तक्षेप होना चाहिए, पूंजीपति लोगों की जरूरत ही नहीं है, पूंजीपति तो खत्म ही हो गया फिर, जब दोनों का हस्तक्षेप है तो मजदूर वर्ग भी नहीं होगा, सामंजस्य बैठेगा और दोनों क्या है, लाभ की स्थिति में रहेंगे और हमें किसी भी प्रकार की समस्या का चयन नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो संघर्ष की स्थिति है वह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि सहकारिता प्रणाली का समर्थन कौन, निम्नलिखित में से कौन सा थिंकर करता है, जैसे कि फोरियर, साइमन, मार्क्स, ओवेन, तो आपको मालूम होना चाहिए ओवेन ने क्या है, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या सिमिलैरिटीज नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राज्य का समर्थन, एक चीज आप याद रखिए, इन तीनों ने राज्य का समर्थन किया है किसी ना किसी रूप में, ठीक है। और मार्क्स भी कहीं ना कहीं राज्य को मानता है,
ठीक है, केवल आपके चार्ल्स फोरियर हैं जो कहते हैं कि राज्य की आपको आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन है वो राज्य का समर्थ है, पूर्णतः बहुत बुरी तरीके से खंडन नहीं किया है। जैसे कि मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीवादी जब व्यवस्था होगी तो राज्य होना ही नहीं चाहिए, वो क्या कहता है राज्य कठपुतली है पूंजीपतियों का, ये लोग ऐसा कुछ नहीं कहते। ठीक है, केवल एक चार्ल्स फोरियर है जो राज्य के अस्तित्व को नकार देते हैं साम्यवाद की जब वो व्याख्या करते हैं, लेकिन अदरवाइज ओवेन हो गया और साइमन हो गया वो कहते हैं कि राज्य होना चाहिए और उसे क्या होता है एक सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए। क्लियर है इस चीज को लेके? आप क्वेश्चन बुक का नाम याद रखिए और उनकी जो एक बेसिक कीवर्ड है सहकारिता प्रणाली, और इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा रह सकता है। ठीक है, ओवेन ने उसके साथ में ओवेन ने और कुछ चीजें बताई हैं। उसने क्या बोला कि एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, शिक्षा, वो कहता है कि समाज में शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोग काम कर सकें। ठीक है, उनके अनुसार मनुष्य की प्रगति में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, धर्म, विवाह, निजी संपत्ति, वो कहता है कि ये कुछ ऐसी चीजें जो मनुष्य को अनुपयुक्त मूल्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है, जैसे कि धर्म है, मार्क्स के बारे में आपको बताया, मार्क्स की आप एक स्टेटमेंट सुनी होगी, अभी बताया नहीं है बट अब आपको बता देते हैं। जैसे कि मार्क्स ने धर्म की जब व्याख्या करी तो कहता है धर्म क्या है, अफीम की तरह है, ठीक है, जो हमें रोकता है कुछ करने से। सेम मैक्स वेबर को आपको पढ़ाया गया था, उनके धर्म का प्रकारवाद और धर्म की व्यवस्था, तो वेबर क्या बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म और भारतीय धर्म में क्या डिफरेंस बताते हैं कि भारतीय धर्म में क्या है, क्या बोला गया जैन और बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में दक्षिणा दो, पैसे मत जमा करो, धन संचय मत करो। ठीक है, वहीं वो कहता है प्रोटेस्टेंट धर्म ने क्या बोला, खूब पैसा कमाओ। तो वो क्या कहता है, तो ओवेन क्या बताते हैं इसी संदर्भ में कि धर्म, विवाह, निजी संपत्ति क्या हो गया, बेवजह की चीजें हैं और ये हमारे विकास में बाधा बनती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वेबर ने भी यही चीज कही थी और मार्क्स भी यही कहता है। मार्क्स कहता है कि धर्म क्या एक अफीम की तरह है, ठीक है, और यदि समाज को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना है तो हमें इसको समाप्त करना ही होगा। धर्म क्या है, एक तरीके से आंखों पे पट्टी बांध देता है ना, अब गलत को सही और सही को गलत मानने लगते हैं। वर्तमान आधुनिक समाज में भारत जैसे देश में तो बहुत उदाहरण है। ठीक है, चाहे वो किसी बाबा से रिलेटेड हो या किसी सरकार से रिलेटेड हो, कहीं से भी हो, रिलीजन से जो भी चीज जुड़ जाती है उसको सही मान लिया जाता है। ठीक है, ओवेन ने बेरोजगार लोगों की समस्या के समाधान के लिए सहकारिता प्रणाली को स्थापित करने पर बल दिया और सहकारिता प्रणाली के अंतर्गत सारा काम मिलजुल कर किया जाएगा, अंतर विरोध समाप्त हो जाएगा, जैसे कि पीछे आपको बता दिया गया। ठीक है, बस उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी है, साथ साथ उन्होंने एक अलग चीज बताई है कि धर्म, विवाह को, निजी संपत्ति को उन्होंने बोला है अनुपयुक्त मूल्य, इनकी आवश्यकता नहीं है किसी को, और ये जो है बाधा के रूप में काम करते हैं। वही है ओवेन के बारे में ही है, मजदूर वर्ग को अच्छी सुविधाएं देकर भी देख लेते हैं एक बार इसको पूरा तरह से कि उन्होंने क्या बताया था ओवेन ने। मजदूर वर्ग को अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं, उनकी पुस्तक के बारे में आपको बता दिया है, सहकारिता प्रणाली के बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना यहाँ से बनी हुई है, एंड शिक्षा को महत्व दिया है बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए। ओवेन ने बेरोजगार लोगों की समस्या के समाधान के लिए सहकारिता प्रणाली जो कि बताई है आपको, उसके लिए बात करते हैं। हमारे लिए इन तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। वीडियोस को पूरी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें, कमेंट करें, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। जितना हमारी समझ है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है यूजीसी नेट का एग्जाम देने का, पढ़ने का और पढ़ाने का, उसके अनुसार ये आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा आपको कहीं से भी मटेरियल मिलते हैं उनको आप पढ़ें। एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, ये इम्पॉसिबल है। जो ज्ञान का सागर है वो बहुत बड़ा है, आप सब कुछ कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस मालूम होना चाहिए, अपने सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करिए। अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें BA MA की बाजार भरा पड़ा है किताबों से, आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहला सिलेक्शन यही होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इन वीडियोस के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको मेन मेन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहे। और श्योर है एग्जाम देने के बाद आपको दिखेगा कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने बोला ये एज इट इज़ ये चीज़ लिखी हुई है, पर चीज़ें इससे रिलेटेड आएंगी। आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। कोई भी टीचर अगर आपको ये कह रहे कि हमारा पढ़ाया हुआ पूरा आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है, नेट वेट में ऐसा नहीं होता है। बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जो लेक्चर पेपर सेट करते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए सिलेबस दिया जाता है, सिस्टम को समझे गवर्नमेंट के, सिलेबस इसीलिए दिया गया है कि आप उन चीज़ों को पढ़ें, समझें, उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, आपको इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि आप सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन के ऊपर उठा के पूरी की पूरी 500 पन्नों की किताब पढ़ लें, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें पढ़ें, जो उनकी बेसिक थ्योरीज है वो यहाँ बता दी गई है,
इसके अलावा जहाँ से आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट से, बुक्स में से, BAME के सिलेबस से जहाँ से भी थोड़ा बहुत मिलता है मटेरियल, उसको पढ़ें। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको याद रखें। पेपर में क्वेश्चन आने की, क्योंकि जो 80-90% संभावना है वो इन यहाँ से, ठीक है, आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए, विद एग्जाम्पल सब बताए जा रहे हैं। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट में अब हम इसके चैप्टर 2 में आएंगे, प्रकार्यवाद से, जो कि रिलेटेड है, उसके बारे में लेक्चर अपलोड किया जाएगा। एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज सोशो फॉर लर्नर्स के नाम से, उसे लाइक करें। बाकी जितनी अपडेट्स रहती है वहाँ पर भी अपडेट कर दी जाती हैं, साथ साथ वहाँ पर भी आप कुछ क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।